Matter. सही बच्चों का अनकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है लेट्स क्रैक इट यूपीएससी सी एस सी हिंदी देखो बेटा आज लेट हो गया हम लोग शुरू करते हैं सॉरी <coughs> <coughs> देखिएगा हम लोग जैन धर्म जो है आज शुरू करने वाले हैं और जैन धर्म में पता है आपको कि चौबीस तीर्थंकर महावीर जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर थे ये शोध जो है प्रमाणित हुआ है और प्रथम क्योंकि तो इतना तो आप लोग पढ़कर आते हो और इतना नॉलेज होता है कि मैं बहुत सिंपल चीज नहीं बताऊंगा हाँ ऋषभ देव ऋषभ देव कौन थे प्रथम तीर्थंकर थे इनके और तेईसवे तीर्थंकर कौन थे पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ तेईसवे तीर्थंकर थे महावीर स्वामी ने जैन धर्म में सुधार किया और प्रचार किया तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको महावीर स्वामी को महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक मानने का वजह क्या है इन्होंने अपने समय जैन धर्म को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया याद रखिएगा ठीक है देखिए पार्श्वनाथ जो तेईसवें तीर्थंकर थे ऐतिहासिक माने जाते हैं लिखा होगा यहां तेईसवे तीर्थंकर माने जाते हैं ऐतिहासिक ये असुसेन काशी के राजा थे पिताजी इनके असुसेन माता बामा कौशलस राजा नरवर्मन की पुत्री उतना याद रखने की जरूरत नहीं पत्नी प्रभावती कहा जाता है कि इनका जन्म या उनका काल जो है महावीर स्वामी के 250 साल पहले माना जाता है आठवीं शताब्दी ईसा पूर्व और ये 30 वर्ष की आयु में सन्यास ग्रहण किया गृह त्याग करके और महावीर के माता पिता इनके अनुयायी थे इनको मानने वाले थे पार्श्वनाथ को यह भी एक संयोगी है कहते हैं कि तेरासी दीन की घोर के बाद पर्वत है वहां ज्ञान प्राप्त हुआ पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में कहा जाता है पार्श्वनाथ को पूरा साध नियम पुरु साध नियम याद रखिएगा निग्रंथ संप्रदाय को चार पार्श्वनाथ के समय निग्रंथ संप्रदाय चार गणों में संघों में संघों में विभाजित भाज, था याद रखिएगा ठीक है जो प्रत्येक गण एक गंधर के अंतर्गत था प्रत्येक जो है गंधर पार के ने नारियों को भी अपने संग में प्रवेश दिया क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्प चूला का वर्णन है एक तो इनके पिताजी थे माताजी थे वो अलग चीज है तीस वर्ष में गृह त्याग किया इन्होंने पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी इनकी इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं इसमें वो यह है कि स्त्रियों को भी क्योंकि स्त्री संघ के अध्यक्ष का पता चला है पुष्प चूला गण क्या है संघ को गण कहा गया इन्होंने वैदिक कर्मकांड का देववाद का आलोचना किया जाति प्रथा तथा जाति प्रथा प्रहार किया इनके अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया और इनके शिक्षा को कहा गया चतुर्याम शिक्षा चार आचरण को पालन करने वाले कुछ नहीं याद रखना है आपको मैं जितना बताऊं बस उतना याद रख लो यहां से स्त्री इनके समय संघ की अध्यक्षा थी वैदिक कर्म कांड और देववाद का विरोध किया निग्रंथ बंधन रहित चतुर्याम सत्य बोलना अहिंसा अस्ते चोरी ना करना अपरिग्रह संपत्ति ना रखना ये चार है पहले सत्य बोलना अहिंसा अस्ते अपरिग्रह सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह याद रखना बेटा तो ये यहां से अगर सवाल आएगा तो यहां पे सवाल ज्यादा नहीं आएगा याद रखना बहुत कम सवाल आएगा वहां से ठीक है अब देखिए अब एक सवाल आपसे पूछा जाता है गौतम बुद्ध के बाद महावीर से भी सवाल आता है बेटा ठीक है तो जो महावीर स्वामी से जो सवाल आएगा आपको वो ध्यान देना है कि सवाल क्या आएगा महावीर स्वामी से तो जो महावीर स्वामी से सवाल आना है वो जन्म कई बार बिहार पीसीएस में जाओगे तो पूछेगा कि कुंड ग्राम बजीस वैशाली के पास यात्रिक कुंड में हुआ प्रधान क्या थे पिताजी सिद्धार्थ माता का नाम त्रिशला सब जानते आप लोग माता चेतक की बहन थी कई जगह मिलेगा चेतक लिच्छवीराज राजा था कहते हैं तीस वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया तीस वर्ष की और यति कहलाए अब यहां से शुरू है सवाल आपका शब्दार्थ देगा यति यति का मतलब क्या है सन्यासी का मतलब सन्यासी बारह वर्ष तक गहन तपस्या किया कठोर तपस्या और जिम्बिक के निकट रिजुपालका नदी को कैवल्य प्राप्त हुआ कवल देखना जहां बौद्ध धर्म में कहते हैं निर्वाण यहां कहते हैं उस चीज को कैवल्य वहां पुनपुन -पुन या निरंजना नदी है यहां रिजुपालिका नदी है बारह साल की कठोर तपस्या यहां क्या कहला है वहां कहला है बुद्ध यहां कहला है महावीर या जीन जीन का मतलब क्या होता है विजेता अलग से शब्दार्थ बताएंगे जैसे बौद्ध वे बताए थे यति का मतलब क्या है सन्यासी याद रखना हाँ बयालीस के एज में कवल्य की प्राप्ति हुई तो कंपेयर करके पढ़ना यहां कहलाए जीन कहलाए केवलिन कहलाए और वहां गौतम बुद्ध कहलाए तीस वर्ष की आयु में वो 29 में निकले थे घर से एक साल बाद निकले केवल ज्ञान के द्वारा ही उन्होंने सुख दुख पर विजय प्राप्त कर लिया केवल के पश्चात अनेक नाम से जाने गए जैसे कैवलिन जी मतलब विजेता निग्रंथ, बंधन रहित अरहत योग्य ये इनका नाम है और हर जगह प्रचार किया कौशल में भी गए मगध मिथिला चंपा भागलपुर है भी और 72 वर्ष की आयु में 468 में कहा जाता है कि इनकी क्या हुई मृत्यु हो गई देखिए इनके जन्म को लेकर बहुत ज्यादा मिलता है गलत सही हमें इतना मतलब नहीं है पावा पावापुरी में मलराज हस्तीपाल के में मृत्यु हो गई याद रखना ये तो आप जानते हो हमें इनसे मतलब नहीं है मैं जो पढ़ाना चाहता हूं मेरा जो तरीका है पढ़ाने का जहां सवाल आएंगे ये तो बेसिक चीज है जैन धर्म के अनुसार संसार का कारण ईश्वर नहीं है दर्शन देखिए इन्होंने क्या दिया शिक्षा इन्होंने कहा कि संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है यह जो चीज मैं बताया ये आपको कहीं ही मिल जाएगा हो सकता है ज़्यादा मिल जाए, लेकिन IAS में नहीं पूछेगा। और पीसीएस में जो पूछेगा वो इतने से आ जाएगा और जो नहीं आएगा वो मेरे पास है करेगा वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है संसार एक वास्तविक सत्य है यही आई में आया था यही लाइन आई में आया था और अनेक चक्र भी विभाजित है संसार उत्त सर्पणी और सर्पणी यानी विकास की अवधि एक विकास होता है और एक होता है हरास की अवधि याद रखना बेटा है ना संसार का जो कारण जैसे हम लोग मानते हैं प्रकृति है ईश्वर नहीं बोला ईश्वर नहीं है ये संसार अपने आप एक विकास की अवधि आती है एक हरास की जैन धर्म में परले का कोई स्थान नहीं जैसे ब्राह्मण धर्म में देखेगा ब्रह्मा का दिन है तो ब्रह्मा का दिन में सृष्टि हो रहा है चार अरब वर्ष अब ब्रह्मा का रात है तो ब्रह्मा सोए हुए है परले हर जगह पानी है सबसे प्रमुख सिद्धांत क्या इनका अनेकांतवाद यही से मेंस का क्वेश्चन आएगा ऑप्शनल में तो आ चुका है जीएस में भी आएगा ये क्या है कहता है कोई भी ज्ञान पूर्ण नहीं है दृष्टिकोण की भिन्नता को अनेकांतवाद कहते हैं जैसे एक उदाहरण दिया गया और उदाहरण क्या था कि सात अंधे थे और एक हाथी था किसी ने पैर पकड़ा तो बोला यार पिलर है कान पकड़ा तो बोला पंखा है पेट पकड़ा और शरीर का बोला दीवार है यानी सातों जो व्यक्ति है वो अपने तरीके से सही बता रहा है कि जो प्रतीत हुआ बता रहा है उसके पास उतना ही ज्ञान है इसी को कहा गया कि कोई भी ज्ञान पूर्ण रूप से सत्य नहीं है दृष्टिकोण की भिन्नता है हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से सही बताने का प्रयास कर रहा है यह तो हो गया तीन कि प्रलय नहीं संसार ईश्वर का कारण यह हुआ क्या कहता है कर्म बंधन का कारण है कर्म बंधन का कारण है आईएस बनना है हम लोग आईएस बनना चाहते हैं तो एक लोभ है कि आई बनना है और उस बंधन में क्या हो है? जाते हैं फिर आईएस के साथ बंध जाते हैं और अज्ञानता के कारण अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है जिसे आश्रो कहते हैं जीव मतलब क्या है आप मान लो हम लोग जीव है कथा ज्ञानता के कारण मिलान करने के लिए आता है हम लोग कर्म की ओर क्या आकर्षित होने लगते हैं आश्रो कहते हैं और फिर जब जाने लगते आकर्षित होने लगते दोनों संयुक्त तो हो जाता है यानी कर्म का जीव के साथ संयुक्त तो हो जाना बंधन पहले क्या है हमें अज्ञानता था आये बनना ये करना मतलब तो फिलॉसफी दे रहे हैं तो आकर्षित होंगे तो बंधन फिर जुड़ जाएंगे तो बंधन कहते हैं कोई बात नहीं त्रिरत्नों की त्रि रत्नों का अनुसरण करने से यह बहाव रुक जाएगा आप जो आकर्षित हो रहे हो वो रुक जाएगा इसी को कहते हैं संवर और केवल बहाव रुकेगा नहीं पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं और इस अवस्था को कहा जाता है निर्जरा पहले से व्याप्त कर्म क्या हो जाएगा समाप्त और जो क्या गएंगे निर्जरा तो पहले कर्म का बंधन कर्म का क्या है बंधन का कारण है कर्म क्यों अज्ञानता है कारण क्या होता है कर्म की ओर कर्म जीव की ओर क्या है? जाता है तो आश्रव होता है दोनों मिल जाएगा तो बंधन हो जाएगा फिर क्या है तिरत्न है सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि और सम्यक आचरण उससे हम लोग क्या करते हैं जैसे ही उसका अनुसरण करेंगे तो बहाव रुकेगा उसको कहेंगे सवर और फिर आएगा निर्जला वो फिल्म था तेरे नाम निर्जला सही नाम है ईश्वर के अस्तित्व को बौद्ध धर्म में नहीं स्वीकार किया गया है या तो मौन है लेकिन या ईश्वर को जीन के नीचे रखा गया है यहां ईश्वर के स्थिति को स्वीकार किया गया लेकिन जीन नीचे जीन मतलब क्या है चौबीस तीर्थंकर से नीचे है याद रखना बेटा यह भी कर्म और पुनर्जनम विश्वास करते हैं जैसे बौद्ध जैन बौद्ध धर्म करता है कर्म और पुनर्जन्म यह भी करता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता वो बौद्ध ये मानता है पंच महाव्रत ये सन्यासियों के लिए हिंसा न करना अमृत झूठ ना बोलना संचय ना करना किसका धन का अस्ते चोरी न करना बिना अनुमति के अन्न की वस्तुएं ग्रहण न करना कई बार हम लोग जाते हैं आजकल शायद भूमिका चावला नहीं भूमिका चावला ही है हां सलमान खान ब्रह्मचर्य किसी नारी से वार्तालाप देखना संसर्ग करना ये सब क्या है मनाही है वाह वाह ब्रह्मचर्य अहिंसा सत्य अहिंसा प्रिग्रह अस्ते, ये चार पार्श्वनाथ के समय था चतुर्याम शिक्षा याद होगा पार्श्वनाथ के समय चतुर्याम शिक्षा था एक महावीर ने जोड़ दिया क्या कहलाया पंच महाव्रत अहिंसा सत्य अहिंसा अप्रिग्रह संचय न करना अस्तय चोरी न करना और लास्ट ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य को जोड़ा इन्होंने इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया हालांकि जाति प्रथा का विरोध पुरोहित वार और कर्मकांड का विरोध यह बौद्ध ने भी किया लेकिन इन्होंने क्या कहा मोक्ष प्राप्ति के लिए कर्मकांडीय अनुष्ठान किया यही आई इसमें दिया है कर्म कांडीय अनुष्ठान नहीं युद्ध और कृषि दोनों वर्जित क्यों क्यों कहते हैं कि जीव की जीव की हत्या होगी हिंसा होगी युद्ध तो चलो कृषि भी नहीं करते इसलिए आज भी जैनी वहीं पे है जहां व्यापार का केंद्र है राजस्थान कर्नाटक कर्नाटक महाराष्ट्र या, 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 या गुजरात जैनी मिलेंगे आपको तो ये युद्ध और कृषि दोनों पर यह केवल व्यापार पे बल देता है व्यापार पे बल पुरोहितवाद कर्मकांड का इंपॉर्टेंट है एनसीआर पढ़िएगा दिया है वर्ण व्यवस्था का समर्थन जाति प्रथा का विरोध याद रखिएगा ये कह रहा है क्या तीरत्न क्या है अब बौद्ध धर्म में तीरत्र क्या था तुलना करो तो बौद्ध में क्या था बुद्धम शरणम वक्षामी धर्मम जब ऐसे करोगे ना जब ये आपका जब यह स्पर्श होगा तो एक प्रतिध्वनि निकलता है बुद्धम शरणम कक्षा धम्मम शरणम कक्षा संघम शरणम कक्षा और फिर क्या निकलेगा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण सम्यक दर्शन का मतलब क्या है सत्य में विश्वास सही चीजों में विश्वास ज्ञान सही ज्ञान क्या होता है उचित ज्ञान क्या होता है जिसमें शंका ना हो वास्तविक ज्ञान वही होता है और आचरण क्या होता है सांसारिक विषयों में उत्पन्न मतलब आप कह सकते हो सांसारिक जो विषय है और जो आप सुख दुख देखते हो अपने आसपास सभी के साथ एक समान व्यवहार सुख में भी सही, दुख में भी लेकिन ऐसा व्यवहार करेगा कौन आम आदमी तो नहीं कर पाएगा बेटा आप बताओ तो आम आदमी के लिए संभव है कि सुख और दुख में एक समान व्यवहार करेगा मुझे तो नहीं लगता है टफ है तो पूछेगा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक आचरण ये तिरत्न अब अनुवर्त क्या है तो पंच महाभ्रत सन्यासी और भिक्षुओं के लिए था और ये किसके लिए पंच अनुग्रत ये गृहस्थों के लिए था बेटा गृहस्थों के लिए याद रखिएगा अगर पूछेगा तो आत्मा को स्वीकार करता है इसमें आ चुका है बौद्ध आत्मा को नहीं मानता अनात्मवादी है ये कहता है कणकण में आत्मा है पशु पक्षी झील नदी प्रकृति के कण कण में आत्मा है यार इतना मजेदार है आइए इसकी सवाल एक ही गलत नहीं होगा आत्मा को मानता है वर्ण व्यवस्था को मानता है अनेकांतवाद स्यादवाद इनका सिद्धांत है पढ़ लें विश्वास नहीं करता कहता है ईश्वर की उत्पत्ति संसार की उत्पत्ति कैसे हुआ वास्तविक सत्य से हुआ सार्वभौमिक सत्य से हुआ फिर तिरत्न देता है सम्यक ज्ञान सम्यक दृष्टि सम्यक आचरण पंच महाव्रत सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह और एक और क्या है गृहस्थ ये सॉरी ब्रह्मचर्य अनुव्रत गृहस्थों के लिए तो ऐसे करके एकदम पूरा अब आइए इनका संप्रदाय देखाते हैं संप्रदाय कभी नहीं देखे होंगे स्वतांबर दिगंबर देख लो ये देखो श्वेतांबर स्थान यही तो आई में आया था यही सब यही तो आया था अभी देखते हैं क्या है सुनना ध्यान से श्वेतांबर ये दरअसल हुआ कैसे बता रहे एक छोटी सी कहानी मगध में अकाल पड़ा बहुत बड़ा अकाल भयानक अकाल तो ये जो आदमी है भद्रबाहु ये सीनियर था इससे ये चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार अपना बेटा को दिया राज सिंहासन और बोला हाँ पढ़े होंगे मैक्सिमम लोग पढ़े होंगे बता दे रहे और असली चीज बताएंगे तो वो गए दक्षिण में चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेल गोला और वहां पे उन्होंने बहुत दिन रहा प्रथम व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म को साउथ इंडिया ले गया और वहां पे संलेखना पद्धति अभी देखेंगे संलेखना और संथारा क्या है प्राण त्याग लेते हैं प्राण त्याग अब ये भद्रबाहु दोबारा आता है मगध क्योंकि मगध का है जब ये आता है तो देखता क्या है कि जो जैन धर्म था जैन संघ था महावीर की जो शिक्षाएं थी उससे ये जो अस्थूल भद्र है वो विपरीत जाने लगता है श्वेत वस्त्र धारण कर लेता है जबकि महावीर ने कहा कि चारों दिशाएं ही तुम्हारा क्या है वस्त्र है बस आवश्यक वस्त्र पहनते थे अब ऐसा नहीं कि नंगे रहते थे हाँ ज्यादा मत सुन लेना विरोध किया ये महावीर के अनुयायी कहलाए और इन्होंने कहा चारों दिशाएं ही मेना वस्त्र है हे स्थूलभद्र तुमने महावीर के शिक्षाओं का उनके जो सिद्धांत है दर्शन है उनका तुम अपमान किए हो और यहीं से दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर जिसने श्वेत वस्त्र धारण किया वे श्वेतांबर कहलाए ये वह लोग है जो मगध में अकाल पड़ने के बाद भी थे और अपने आप को परिवर्तित कर लिया दिगंबर वो है जो भद्रबाहु के नेतृत्व में थे तो वस्त्र धारण करने वाला क्या होगा श्वेतांबर जो चारों दिशाओं को माने दिगंबर पार्श्वनाथ श्वेतांबर के थे एक तरह से क्यों क्योंकि वे सफेद वस्त्र धारण करते थे इनको पार्श्वनाथ पार को पूरा साधनिया भी कहा गया आएगा ये। और ये कहलाए जीवंत स्वामी महावीर जीवंत स्वामी कहलाए ऐसा क्यों सुनना बेटा ध्यान से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि महावीर ने वस्त्र का त्याग कर दिया था महावीर ने त्याग कर दिया और ये पूरा साधनिया इनको एक और नाम से जानते हैं सचेल तत्व यानी वस्त्र सहित सचेल यति मतलब क्या होता है सन्यासी निग्रंथ बंधन रहित जीन विजेता केवलिन मोक्ष मिलान करने के लिए देगा श्वेतांबर भोजन आवश्यक मानते थे सुनना बेटा ध्यान से दिगंबर कहते थे ज्ञान के लिए भोजन नहीं फल कंद मूल ये सब पे तपस्या करते थे अब ऐसा नहीं है कि खाना ही नहीं खाते थे मतलब एक उन्नीसवें तीर्थंकर थे जिनका नाम था मल्लीनाथ तो श्वेतांबर बोलता था कि स्त्री थे दिगंबर बोलता था कि पुरुष थे सुनना बड़ा मजेदार चीज बर बोला कि महावीर का विवाह हुआ इन्होंने बोला महावीर अविवाहित थे ये आगम में विश्वास नहीं करते थे कि क्या आगम में विश्वास नहीं इनका एक मिनट बेटा यहाँ यहाँ लगता है मिस प्रिंट हो गया है ना याद रखेगा सुनिएगा ध्यान से ये जो श्वेतांबर थे ठीक है कि मालूम चला एग्ज़ाम में आ गया गड़बड़ा जाएगा मामला तो मामला गड़बड़ा नहीं है हाँ मामला ठीक रहना है ठीक रखना है वही मैं बोला कि गड़बड़ हो जाएगा ये आगम में विश्वास करते थे ठीक है हां एक एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है कहते बूंद बूंद से घरा भरता है हां इसमें कोई ईगो नहीं है आगम में विश्वास आगम क्या था साहित्य था जैन साहित्य पढ़ाएंगे अभी साहित्य आएगा ये नहीं मानते थे ये कहते थे स्त्रियों का निर्माण संभव है श्वेतांबर दिगंबर तो रूढ़ीवादी थे कहते थे स्त्री का निर्माण कैसे होगा यहां संथारा था संथारा आ गया संलेखना अरे भाई भद्र भद्र के साथ ही चंद्रुप्त मौर्य गए थे ना और उन्होंने संलेखना पद्धति के द्वारा प्राण का त्याग किया था और संलेखना का मतलब क्या था संलेखना का मतलब था उपवास द्वारा प्राण तो जब श्वेतांबर उपवास करके प्राण त्याग करते हैं तो संथारा कहलाता है और दिगंबर कहेंगे तो सल लेखना कहलाएगा याद रखना बेटा मेरे इनका केंद्र गिरनार सब गुजरात बल्बी मथुरा अपना मथुरा बगल कर्नाटक पुंडवर्धन बंगाल कर्नाटक में क्यों है क्योंकि खुद गए थे बंगाल में भी है अब एक बार फिर, फिर देख लेना स्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करता है दिगंबर चारों दिशाएं वस्त्र है श्वेतांबर भोजन जरूरी मानता है ज्ञान के लिए यह नहीं मानता है श्वेतांबर आगम में विश्वास करता है दिगंबर नहीं करता है श्वेतांबर स्त्रियों का निर्माण संभव दिगंबर नहीं श्वेतांबर संथारा दिगंबर संलेखना श्वेतांबर पार्श्वनाथ पूरा साधनिया सचेल तत्व जीवंत स्वामी महावीर ये क्या कहता है मल्लीनाथ स्त्री थे दिगंबर पुरुष थे ऐसे करके दिमाग में बैठा लेना है संथारा जरूर देखना बेटा संथारा और ये कुछ भी आ सकता है ये हल्के मतलब इसको पुंडवर्धन और कर्नाटक दिगंबर याद रखना इधर याद हो जाएगा अब देखना जो मेजर चीज है जो कहीं नहीं मिलेगा श्वेतांबर में कौन कौन देशना ना देखना तेरा पंथ मूर्ति पूजक ये पंथ है एक यापनीय दोनों के बीच में था दोनों की विशेषता तेरा पंथी बीस पंथी पंथी, गुमान पंथ तोता पंथ, तोता पंथ, कांजी स्वामी या कांजी पंथ आइए इसमें सवाल आया था स्थानकवासी क्या है हे भगवान लोग ऐसे टूट पड़े कि इतना डीपली पूछा अरे बेवकूफ ये डीपली नहीं था नहीं था डीपली आसान सवाल था अब देखना सुनना ध्यान से अब चूंकि हमारे हम तो खुद ही लेट हो गए थे आज तो लेट हो गए तो इसलिए करना क्या है इसको पढ़ना है कल हाँ क्योंकि एक क्लास लेट का मतलब सब लेट नहीं करना है यहां से क्या पूछेगा देखना बेटा यहां से कल मैं बहुत अच्छा चीज पढ़ाऊंगा लेकिन अभी देखो ध्यान से कई बार पढ़ने के दौरान अगर आपसे पूछेगा कि सवाल क्या पूछेगा तो ध्यान देना श्वेतांबर श्वेत वस्त्र दिगंबर चारों दिशाएं श्वेतांबर स्थूल भद्र और ये भद्रबाहु एक और चीज अगर दर्शन आएगा अभी सात बजे स्पेशल क्लास है कई बच्चे को दिक्कत होता है पुराने या नया कि रणनीति क्या स्ट्रेटजी क्या हो और मैं कट्टू बच्चन बोलने जाऊंगा आज कट्टू बच्चन बड़ा मजा आएगा अपने अनुभव यह कोई क्लास नहीं है बस एक एक्सपीरियंस है आपके साथ सात बजे चूंकि यहां लेट कर दिए और वहां भी लेट कर देंगे तो बेटा अच्छा थोड़ी लगेगा एक ही जगह लेट एक ही जगह मैं गलती स्वीकार करूं भैया मुझसे गलती हो गया छे बजे क्लास देर कर दिया मैंने हालांकि जान के मैंने नहीं किया जैन दर्शन से क्या आएगा सुनना ध्यान से पाला आत्मा केसुत्व को स्वीकार करता है दूसरा भगवान को मानता है ईश्वर को लेकिन कैसा तीर्थंकर के नीचे याद रखना लेकिन यह भी अनिश्वरवादी धर्म है अगर यहां देगा कि अनिश्वरवादी है तो आप बोलना कि है कैसे है यह अनिश्वरवादी बेटा इसलिए है कि यहां अनिश्वरवादी का मतलब है वेद को नहीं मानना वेदों को नहीं मानना ईश्वर अलग चीज ईश्वर से मतलब नहीं है इनको इसका मतलब इनके दर्शन को क्या कहते हैं अनेकांतवाद सियादवाद पंच महाभारत, अनुवरत तीरथ, तो दिमाग में क्या करना है आज जाना और दिमाग में बैठाना पूरा क्योंकि याद रखना यहां से सवाल आपको मैं दिखाऊंगा हर साल जैसे मैंने बताया कल आपको कल ही तो बताए थे या परसों इतना खूबसूरत चीज है सत्व कहीं नहीं मिलेगा आपको एक जगह कहीं नहीं मिलेगा बेटा और मेरा मेरा मन था अभी बताने का इतना मन था कि या अपनी ये संप्रदाय तोतापंथी तेरा पंथी कुछ रटना ही नहीं है एक मूर्ति पूजा कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है एक खड़ा होकर पूजा कर रहा है एक सूखा मेवा डाल रहा है एक मेवा डाल रहा है इन सवाल ऐसे आते हैं तो हम लोग मिलेंगे कल छे बजे कल रक्षाबंधन है लेकिन हाँ आज मुझे समय मिलेगा कल रक्षाबंधन है तो कल मैं दो ही क्लास लूंगा कितना बजे सुनिएगा एक पांच बजे और एक छ बजे और छः बजे वाला क्लास लूंगा आराम से खाते पीते आप चूँकि आप लोग का सिस्टर भी बहुत खुश होगी भाई से भेंट होगा और पैसे मिलते हैं भाई से प्यार पता नहीं कितने दिन बाद मिलते हैं हम लोग है ना और रिवीजन भी करवा देंगे कुछ सवाल करवा के और लड़का भी खुश होता है कि चलो भाई बहन से बहन राखी बांधी है और छोटा बच्चा बहुत खुश होता है पता होगा आपको तो अभी मिलेंगे सात बजे कहीं मत जाइएगा जितने भी लाइव लर्नर हैं मैं उम्मीद करता हूं एक बार आपको एक नया अनुभव मिलेगा एक ऐसे व्यक्ति से जिसने दिल्ली में ग्यारह साल से पढ़ा रहा है और पिछले ग्यारह बारह साल दिल्ली में मैंने व्यतीत किया नाइनटीन नाइनटी नाइन से आप सोच लीजिए इतना समय व्यतीत किया मैंने और मेरे सीनियर मत पूछिए कब से थे उन्नीस सौ से कोई सत्तासी से थे इतने पुराने पुराने सीनियर थे तो चर्चा करेंगे ठीक है बस दो मिनट के अंदर